आप डायरेक्शन कर रहे हैं, बेगम साहब जो है वो प्रोड्यूसर है, तो आपस में कभी लड़ाई झगड़े हुए? अक्सर हुए और ये बात भी मैं बड़े फख्र से कहना चाहूंगा कि अक्सर मैं ही हारा हूँ। ये कभी नहीं हुआ कि उसने माना हो कि मेरी गलती है, गलती हमेशा मेरी हुई है, तो बस सही है। लेकिन मुझे इस बार निदा की बड़ी सपोर्ट रही है, मैंने पिछली 3 फिल्में की हैं, तो मैं उसमें प्रोड्यूसर भी मैं होता था, डायरेक्टर मैं होता था, उसका स्पॉट बॉय मैं होता था, सारे काम मुझे करने होते थे। यहाँ पर निदा ने जो मुझे जो पता चला कि भाई डायरेक्टर का काम डायरेक्ट करना है और प्रोड्यूसर का काम सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या सेट हो, लोकेशन हो, बिल्कुल वार्डरोब हो, मेकअप हो, वो सारे काम प्रोड्यूसर के हैं, बिल्कुल। तो मुझे पहली बार पता चला है। अच्छा, एज ए डायरेक्टर काम करते हुए एक्टिंग भी हो रही है फिल्म में, आपका एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर भी है, सो ये कितना मुश्किल काम है? बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अच्छा, फिल्म में इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि फिल्म में टोटल सीन होते हैं 100, 105, 90 ऐसा सीन होते हैं, उनमें से आपके होंगे 40 सीन होंगे, 50 सीन होंगे, तो दिन में आप 2-3 सीन करते हैं मूवी, ठीक है। हाँ, ड्रामे में से मैंने एक सीरियल किया था चुप रहो, सज्जल साथ थी इसमें, उसमें होते हैं 1000, 1200 सीन, 1500 सीन, आपको उसमें पागल हो जाते हैं, बिल्कुल, कि आप डायरेक्ट करें या एक्ट करें। नादानिया मैंने क्यों जल्दी बंद किया, क्यों मुझसे हो नहीं रहा था कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं डायरेक्शन देखूँ, चलो उसमें प्रोड्यूसर निदा साथ थी मेरे, लेकिन मुझे डायरेक्शन एक्टिंग बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल। तो 100 एपिसोड किए नादानी के हमने, बाकी अब सिटकॉम्स चल रहे हैं 800, 900 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन मैंने 100 बंद किया उसको, क्योंकि मुझसे 2 काम एक साथ नहीं हो रहे थे। लेकिन मूवी में यह है कि आपके 30-40 सीन है, आप 2 सीन कर रहे हैं, 3 सीन कर रहे हैं, तो आप सुकून से कभी कभी एक ही कर रहे हैं, कभी आपका एक सीन है आप, और फिर अब टाइम होता है आपके पास, जब तक लाइटिंग हो रही है, पीछे लैपटॉप है, पूरा सीन देख लिया आपने, कोई भंड तो नहीं हुआ, कोई मसला नहीं आया, ठीक है, तो मूवी में आसानी है जरा एक्टिंग करना साथ। चलें, जबरदस्त हो गया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।